अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई डॉक्टर निखत परवीन अहमद, वेबिनार कन्वीनर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, हार्टली वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इनवाइटेड रिसोर्स पर्सन प्रिंसिपाल सर, हु इज ऑल्सो अवर चेयरपर्सन ऑफ द वेबिनार, आईकेसी कोऑर्डिनेटर एंड स्टाफ मेंबर। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन, ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ए ग्रेडेड बाय नैक टू साइकिल्स, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजिंग नेशनल वेबिनार अंडर वर्ल्ड बैंक स्कीम ऑन करियर अपॉर्चुनिटी इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान विभाग ने ये विषय इसीलिए चुना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी न केवल डिग्री प्राप्त करें बल्कि वो ये भी जानें कि वो साइकोलॉजी में डिग्री लेने के बाद कौन कौन सी अवसर हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति ने ना केवल बनाई जा चुकी है बल्कि उसका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने, इस दिशा में निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति जो है महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यदि मैं शिक्षा व्यवस्था को के स्तरों को बांटूं तो मैं उसके तीन स्तर देखती हूँ। व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के प्रथम वे विद्वान जो नीति शिक्षा नीति को बनाते हैं या पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। दूसरे स्तर पर हमारे पढ़ाने वाले स्कूल के शिक्षक और प्राध्यापक आते हैं और तीसरे स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाले आते हैं। ये तीनों लेवल पर काम करने वाले विद्वान अपना अपना राय, विचार, चिंतन, थिंकिंग रखते हैं, लेकिन तीनों का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों का अधिकतम एवं सर्वांगीण विकास करना है। जो और हम सब जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो रुचि में, प्रतिभा में, पर्सनालिटी में, अभिप्रेरणाओं में, आवश्यकताओं में, आईक्यू में, शारीरिक योग्यताओं में और सामाजिक परिस्थितियों में एक दूसरे से बहुत भिन्न भिन्नता रखते हैं। तो वर्तमान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्कूल और महाविद्यालय से ऐसे प्रोडक्ट या विद्यार्थी बाहर निकालना है जो ज्ञान और अधिगम एवं कौशल के साथ निपुण हो और साथ ही व्यावसायिक या नौकरी या किसी पेशे में पूरी योग्यता के साथ प्रवेश कर सकें। ना केवल वो खुद आत्मनिर्भर हों बल्कि वो हमारे माशरे या समाज के लिए भी एक योगदान दे सकें। इससे हमारा भारत जो है शिक्षा एवं भारत आत्मनिर्भर भारत में हम की नींव को स्टार्ट कर पाएंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार टुडे। वी हैव माया बोहरा, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट विद अस टू टॉक अबाउट द थीम और टॉपिक। वेलकम टू वंस अगेन मैम। नाउ आई एम इनवाइटिंग आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर नीता तपन मैडम फॉर इंट्रोडक्टरी रिमार्क। ओवर टू यू मैम। Contributing to the education of girls. They have been awarded the Digital Center for Excellence among the chosen 8 iconic colleges of the state of Madhya Pradesh by the Department of It was one of the pioneering institutes of the nation which voluntarily presented itself for NAC accreditation as early as in the year 2004 and earned an A grade. It again applied for the second secondary accreditation in the year 2016 and once again earned an A grade with 3.19 CGPA, the highest score in Madhya Pradesh, and once again earned an A grade with 3.19 CGPA, the highest score in the Madhya Pradesh and fourth highest in the nation as per the 17th standing committee meeting of NAC Bengaluru. It is a multi-faculty college with arts, science, commerce and home science.
faculties, with post-graduation in all faculties and 6 research centers. It has 8 self-financed courses. An amount of rupees 11 crore has been approved for the institute under the Institutional Development Plan, MPHEQIP World Bank Scheme. It has also been approved 2 crore under RUSA. With this vision statement, the students, besides acquiring merit positions in the university, have been achieving milestones in academic, cultural, literary, sports, extension activities, and in their respective careers post-college life. So this is one opportunity of organizing a webinar on career opportunities in psychology. And we welcome all the guests here, because psychology department of our college has been organizing counseling sessions for the students in the college as well as in the hostel on a regular basis. And we have been organizing webinars on counseling and mental health and stress management, etc., with experts. Post-COVID session, this is one again a milestone today being conducted, because there are many career opportunities that have been risen up in the department of psychology. In the subject of psychology, I, on behalf of the college and the psychology department, extend a hearty welcome to our esteemed guest, Madam Bohra, and our honorable principal, chairperson of this institute, and chairperson of this webinar, and all the esteemed participants, dear students, and the guests who have joined us. Now I hand over the proceedings again to Dr. Nikhat Parveen, Madam, Head of the Department of Psychology and convener of this webinar. Over to you, Madam. Thank you. Thank you very much, Neeta ma'am. Jaisa hum aapse ye baat share karna chahenge ki hamare principal sir meeting mein vyast hain filhal, lekin wo hamare liye turant hi available hain. So now I would like to invite our college principal for presidential address. Over to you, sir. धन्यवाद मैडम. आज साइकोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय नेशनल वेबिनार में जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन साइकोलॉजी, निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी और अन्य जो भी व्यक्ति इस वेबिनार से जुड़े हुए लाभान्वित होंगे, क्योंकि आज के समय में शिक्षा नीति के तहत जो हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है. और चूंकि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम कहीं भी जॉब या कोई विषय, मतलब किसी भी तरह के कहीं कोई जॉब प्राप्त करने में हमको कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, विद्यार्थियों को भी इसमें कठिनाई होती है. तो आज का जो विषय है ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो वक्ता हैं माया बोहरा जी, निश्चित रूप से ऐसे कुछ विषयों पर मार्गदर्शन देंगी जिससे विद्यार्थी उसमें लाभान्वित होंगे. मैं चूंकि अभी वीसीए हमारी चल रही है, मैं पुनः आप सभी को इस सेमिनार वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं. मैं हमारे वक्ता माया बोहरा जी का भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं. धन्यवाद मैडम. थैंक यू वेरी मच सर. Taking the program forward, I am inviting Dr. Shashi Prabha Jain, Head of the Department Home Science, for the introduction of the invited resource person. Over to you, ma'am. Thank you, madam. This professor, organizers and participants, namaskar. IPSC and the Department of Psychology of PG College in Chennai are organizing national webinar on career opportunities in psychology. Madam Maya is present among us as a keynote speaker. I would like to introduce her to you. Let me tell you about her educational background first. She has done his master's degree in psychology
and PG Diploma in Guidance and Counseling from Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore. She got PG Diploma in Rehabilitation Psychology and Diploma in Early Childhood Education. Now she is pursuing her PhD from Mewat University. I must tell you that she is a registered rehabilitation psychologist and psychotherapist, founder of Laksh, Making the Way of Education Society. Let us know about her areas of expertise. These are psychodiagnosis, learning disabilities, intellectual disabilities, autism, ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder, remedial education and intervention, training, psychotherapy, trauma and suicide prevention. Now we take a look at her work experience. She is founder and director of Laksh Child Development Center, Psychodiagnosis and Remedial Education Clinic from the year 2006 to present. She is founder and executive secretary of Spandan, Life Moves On 24/7, Suicide Prevention Helpline from 2012 to present. She is program director of Umang Kishore Helpline, telecounseling services for students as well as parent and teacher. She is also associated with many institutions and giving services. It's over to you, madam. Please take your station. Thank you. Madam, please take your station. It's over to you. Nikhatji, can I start? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you observing all the protocols. Aap sabko mera namaskar. Yahan par sabhi webinar mein upasthit students, faculty, sabko mera sadar namaskar. जैसा कि आज का विषय है करियर अपॉर्चुनिटीज एंड साइकोलॉजी, सो मैं आज उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहती हूँ और इसी के लिए मैं स्लाइड शेयर आपके साथ करना चाहूंगी पहले, एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि व्हाट इज करियर. करियर क्या है? बेसिकली करियर एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें अब सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, मीटिंग विद ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन एज ए करियर. ओके, हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम अपने अंदर जो इनहेरेंट रेट है, नॉलेज है, उसको एक्सप्रेस करते हुए अपने जब बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, वी कॉल इट करियर. Right, and psychology is what? Psychology is study of human behavior, mind and animals. Okay, all right, so psychology helps people to a huge extent because it can explain why people act the way they do. Kyun psychology ek aisa vishay hai jo yah samajhne aur samjhane mein help karta hai ki vyakti jis तरीके से व्यवहार कर रहा है बोलो उसका क्या वजह है. एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम बोरा मैडम, आप इसको स्लाइड मोड पर ले जाइए, फुल स्क्रीन कर दीजिए. मैम ये फुल स्क्रीन ही है. अच्छा, फुल स्क्रीन है क्या? जी टेक्नीशियन बता रहे हैं शायद फुल स्क्रीन नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए. मैं फिर से एक बार स्टॉप शेयरिंग करके करूं क्या? जी मैडम, मैडम एक बार और कर लीजिए आप. यस, मैं वापस से कर रही हूँ इसको. अब ये फुल स्क्रीन दिख रहा है निखत मैम? क्या ये फुल स्क्रीन दिख रहा है आपको? शैल आई प्रोसीड? नो नो मैम, फुल स्क्रीन नहीं है. ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट नो.
आई एम सो सॉरी. सो मैडम ऐसे ही चलने दीजिए आप. चलने दो. नो प्रॉब्लम. हाँ नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. सो साइकोलॉजी कहाँ हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, व्हाई वी वांट टू बी इन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, क्या हमको हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, इसको जानना हमारा हमारे लिए बहुत आवश्यक है. साइकोलॉजी कैन हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिहेवियर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर टू बेटर प्रिडिक्ट द फ्यूचर. ठीक है, हमको अपने जीवन के साथ, खुद के जीवन के साथ सामंजस्य बिठाने में हेल्प करता है ये विषय, और हमें दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाने में हेल्प करता है. इसके साथ साथ हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हम अपने ट्रेड्स को कैसे वर्क ऑन करें, प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करें, और साथ साथ हम अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए हम दूसरों की कैसे मदद करें, इसके लिए साइकोलॉजी विषय जो है, मनोविज्ञान विषय जो है, यह मदद करता है. राइट, टू बी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड टू वी नीड. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम इस विषय को चयन तो कर लें, लेकिन इस विषय को चयन करने के बाद में या पहले हम में ऐसे कौन से ट्रेड या कौन से ऐसे आवश्यक मूलभूत तत्व है जो हमें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड हमेशा के लिए करने हैं. सबसे पहला है कि इस विषय की ऑथेंटिक ट्रेनिंग. ऑथेंटिक ट्रेनिंग मतलब किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास ट्रेनिंग हो. आपका इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस मैटर करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स कि आपकी भाषा पर पकड़, आपके साथ लिसनिंग स्किल्स आपके बहुत काउंट करते हैं, आप में खुद में इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि हम अपने भावनाओं का अतिरेक जो है वो हम मैनेज कर सकें, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस. टॉलरेंस मतलब कि हम सामंजस्य से बिठाएं तालमेल के साथ में, और आने वाले चैलेंजेस को, आने वाले समस्याओं को, आने वाले व्यक्तित्व को डील करने वाले लोगों के लिए हमारे पास एक्सेप्टेंस हो. नर्चरिंग बिहेवियर होना चाहिए हमारे पास में. पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स हमारा अपने विषय का जो अपना कॉन्सेप्ट है दैट शुड बी इन पॉजिटिव नोट. हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट शुड बी साउंड. रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड क्लाइंट्स, हमारे दूसरों के व्यक्तित्व को लेकर, चाहे वो व्यक्तित्व हो, चाहे रेस, जाति, जनजाति, किसी भी स्टेटस, किसी भी तरीके से का व्यक्ति हमारे सामने हो, हमारे लिए वो रेस्पेक्टफुल है. अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर. अगर हम रिजिड बिहेवियर के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो शायद ये विषय पर हम पकड़ अच्छी नहीं बना पाते हैं. सिंसियरिटी, इसलिए कि आप अगर पढ़ते हैं तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, और जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो भी सिंसियरिटी के साथ हमको काम करना है आगे. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पीपल डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ, मतलब कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मेरा व्यक्तित्व भिन्न है और सामने वाले व्यक्तित्व का व्यक्तित्व भिन्न है, और हम इस भिन्नता को बहुत समानता के साथ एक्सेप्ट करें, तभी हम जाकर आगे बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं. फ्रैंक बट टेक्टफुल. यस, फ्रैंक मीन्स कि आप बहुत ओपननेस के साथ अपनी बात करें, फ्रेंकली बात करें, बट इट शुड बी इन अ टेक्टफुल मैनर, पॉलिश्ड मैनर. एंड ह्यूमरस, डेफिनेटली वी हैव टू बी ह्यूमरस, क्योंकि कभी कभी विषय की गंभीरता हमें इतना गंभीर बना देती है कि हम ह्यूमर भूल जाते हैं, और जब ह्यूमर हमारे साथ होता है तो हम चीजों को बहुत आसान बनाकर आगे बढ़ पाते हैं. राइट, अब मैं डायरेक्ट आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि इस विषय को चयन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल है. ठीक है, ये एक बड़ा संयंश रहता है. लोग मनोविज्ञान की तरफ अभी आकर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन फील्ड्स की जो जानकारी है, क्षेत्रों की जानकारी का अभाव हमारे पास होता है. तो हम जो यहाँ पर अभी हमारे पास जो फील्ड्स अवेलेबल है, वो सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब नैदानिक मनोविज्ञान, जो मेंटल इलनेसेस को लेकर आगे बढ़ता है. रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी मतलब डिसेबिलिटी या पुनर्वास को लेकर काम करता है, डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करते हैं, और एडिक्शन और अन्य प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पुनर्वास की जरूरत होती है, वो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी होता है. स्कूल साइकोलॉजी
भी एक फील्ड है जहां स्कूल के छात्र छात्राओं की काउंसलिंग, टीचर्स के लिए प्रोग्राम, पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम हम कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में जाएं जानना। फॉरेंसिक साइकोलॉजी अभी कुछ सालों पहले ही हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक विषय है। न्यूरो साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी के लिए कुछ फील्ड्स अवेलेबल है, खुले हैं, और हायर स्टडी, हायर एजुकेशन इनमें अवेलेबल उपलब्ध है। तो हम इन फील्ड्स के बारे में सोच सकते हैं। अब इन फील्ड का चयन कैसे करना है, हमको ये देखना है कि कैसे हम आगे बढ़ें। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, अगर मैं स्कूल की बात करूँ, तो ह्यूमैनिटीज लेकर 12th तक हमको ह्यूमैनिटीज अलॉन्ग विद साइकोलॉजी हमको पढ़ना है। और अगर नहीं भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी कुछ कॉलेज डायरेक्ट आपको साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप विल बी बैचलर्स डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री होनी है आपके पास में, और बैचलर डिग्री के बाद में मास्टर डिग्री आपको साइकोलॉजी में लेनी है। एंड देयर आर न्यूमरस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, लाइक स्पेशल एजुकेशन, स्पेशली रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल एज वेल। ठीक है, 12वीं के बाद अगर हमको पुनर्वास के क्षेत्र में जाना है, तो 12वीं के बाद RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट आप स्पेशल एजुकेशन में BEd कर सकते हैं, और स्पेशल एजुकेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आप आगे अपनी स्टडी को परस्यू कर सकते हैं। राइट, अब मास्टर्स इन इंडिया, बैचलर्स के बाद में हमारे भारत में कौन कौन से मास्टर डिग्री अवेलेबल है, मैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी। साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन MSc यहाँ पर उपलब्ध है। मास्टर्स इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है। मास्टर्स इन फैमिली थेरेपी, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, जो कि बहुत सामान्य तौर पर हम सब मास्टर्स इन साइकोलॉजी करके आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स इन रिहैबिलिटेशन साइंस, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री अवेलेबल है। अप्लाइड साइकोलॉजी में भी मास्टर डिग्री अवेलेबल है, कुछ यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसको प्रोवाइड करवा रही है। मास्टर्स डिग्री इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी और MSc इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये कुछ मास्टर डिग्रीज है जो हम लोग यहाँ पर आगे परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर मास्टर डिग्री लेने के बाद क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम बाद में क्या करें। अमूमन पहले ये होता था कि मास्टर्स डिग्री के बाद में तुरंत अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे लोग। ठीक है, पर अब क्या है, अब कुछ वैधानिक चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद मास्टर्स डिग्री के बाद में भी आपको कुछ और हायर स्टडीज की ओर जाकर फिर आपको अलग अलग लेवल पर प्रैक्टिस के लिए यू आर अलाउड टू। ठीक है, मास्टर्स डिग्री के बाद अगर आप MPhil करते हैं, तो MPhil करके आप किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। MPhil के बाद PhD, आपके PhD एक हाईएस्ट मोस्ट डिग्री हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी अवेलेबल है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। मास्टर्स डिग्री के बाद में अगर आप MPhil नहीं कर सकते हैं, या कुछ क्षेत्रीय दूरियां हैं, क्षेत्रीय परेशानियां हैं, या अनअवेलेबिलिटी है कोर्सेज की, उस कंडीशन में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे फील्ड्स में अवेलेबल है। ये सब अगर आप RCI की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएंगे, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको उनसे एफिलिएटेड बहुत सारे कोर्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज चलाती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और मास्टर्स डिग्री के बाद में आप ऑथेंटिक ट्रेनिंग इन डिफरेंट थेरेपीज भी कर सकते हैं। थेरेपीज में बहुत सारे मोडालिटीज हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी थेरेपीज में आप आगे बढ़ सकते हैं। पर मास्टर्स के साथ साथ और मास्टर्स के बाद आप थेरेपीज में अपनी दक्षता को हासिल कर सकते हैं। लाइक जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप आजकल मैंडेटरी है, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो
प्लीज डू नॉट डू कि हम बस फॉर द सेक ऑफ कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड आई फुलफिल द कोर्स कैरिकुलम, ठीक है, उसके लिए हमको नहीं देखना है. जस्ट टू लर्न, गो समवेयर जस्ट टू लर्न, ठीक है, और उस एक ऑथेंटिक आप ट्रेनिंग ले इंटर्नशिप के दौरान, ताकि आपके करियर में चार चांद लग सकते हैं उसके बाद में, ठीक है. स्पेशलाइजेशन इन एनी स्पेसिफिक फील्ड, लाइक जैसे मैंने बताया ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिनमें आप विशेष दक्षता हासिल कर सकते हैं और अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं या कहीं पर आप जॉब कर सकते हैं. अब मैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो अवेलेबल है वो मैं बात करना चाहूंगी आपसे. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये बहुत आसानी से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में चल रहा है कोर्स, तो ग्रेजुएशन के पीजी के बाद में आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी में जाना है तो, ठीक है. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन, अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड काम करना है, स्कूल साइकोलॉजी में काम करना है या डिसेबिलिटी के संदर्भ में काम करना है, तो आप कोर्स इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं. पीजी डिप्लोमा इन लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार का डिसेबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि आप लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं. पीजी डिप्लोमा इन ऑटिज्म, पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड केयर एंड मैनेजमेंट, ये भी एक डिप्लोमा अवेलेबल है यहाँ पर जिस पर आप जा सकते हैं. पीजी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ठीक है, ये बच्चों के जो बाल्यावस्था में जो चाइल्डहुड चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है इनको लेकर ये इसमें पढ़ाई विस्तृत रूप से पढ़ाई करवाई जाती है. इस डिप्लोमा को भी ऑप्ट किया जा सकता है. प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगर मान लीजिए एमए के बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करने पर आप करने के लिए आप नहीं जा सकते हैं, तो इस स्थिति में आप प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करके एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और डिप्लोमा इन स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी में डिप्लोमा अवेलेबल है, ठीक है. इसके अलावा कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, डेवलपमेंटल थेरेपी मल्टी डिसिप्लिनरी डिप्लोमा इज अवेलेबल, पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो कि जैन यूनिवर्सिटी यहाँ से प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में होता है, पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, डांस एंड मूवमेंट थेरेपी, ये कुछ अलग अलग थेरेपीज है जो जिसमें पीजी डिप्लोमा किया जा सकता है, ठीक है. एंड देर आर न्यूमरस आर से रजिस्टर्ड डिप्लोमा कोर्सेज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डिसेबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, मस्कुलर सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है, इसके अलावा आप हियरिंग और विजुअल हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप अलग अलग डिप्लोमा में जा सकते हैं. ये सब आपको आरसीआई की वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है. और अब मुख्य बात कि हम साइकोलॉजी लेकर हम क्या बन सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में यही आता है साइकोलॉजी लिया तो आपको काउंसलर बनना है, काउंसलिंग बनना है या प्रोफेसर बनना है, तो हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं ये हमको देखना है. पीएचडी अगर आप कर लेते हैं, पीएचडी के बाद में यू कैन बी अ रिसर्चर, आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग फील्ड्स में आप एज ए रिसर्चर आप काम कर सकते हैं. आप टीचर भी बन सकते हैं, टीचर इसलिए कि अब ट्वेल्थ ग्रेड में भी साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा है, तो वहाँ स्कूल लेवल पर आप साइकोलॉजी के टीचर बन सकते हैं और यू कैन बी अ प्रोफेसर, ठीक है. आप कॉलेज के लेवल पर आप टीचिंग कर सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकली प्रैक्टिस करते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट में देयर आर डिफरेंट साइकोलॉजी के स्ट्रीम्स है जो मैंने बताया, जैसे स्कूल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है. आप उसमें अपनी दक्षता हासिल करके आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. काउंसलर बन सकते हैं, काउंसलर माने कि आपने काउंसलिंग साइकोलॉजी में डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा करने के पश्चात आप कहीं भी
बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना कोई एक अप्रूवल के यू कैन स्टार्ट काउंसलिंग. आप काउंसलिंग वर्क शुरू कर सकते हैं, लाइक इन स्कूल सेटिंग या किसी एनजीओ के सेटिंग में आप काउंसलिंग कर रहे हैं वहां कर सकते हैं. यू कैन बी अ स्पेशल एजुकेटर जो कि डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करते हैं. एज ए थेरेपिस्ट यू कैन वर्क. बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनमें हम विशेष दक्षता हासिल करने के बाद में हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं. यू कैन बी अ कंसल्टेंट. यहाँ पर मैं सोशल वर्कर की जगह आई वुड रादर से कंसल्टेंट. आप अलग अलग जगहों पर एज ए कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं. ट्रेनर और लाइफ कोच, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अगर लेकर आगे बढ़ते हैं, या यू इफ यू हैव गुड ओरेटिंग स्किल्स तो यू कैन बी अ ट्रेनर आफ्टर हैविंग ऑथेंटिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. और लाइफ कोच जैसे भी यू कैन वर्क. ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बन सकते हैं क्योंकि आप, जैसा कि मैम ने अभी बताया था कि पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े हैं और नीड जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की वो बहुत बहुत बड़ी है. तो वी कैन बी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जैसे भी हम काम कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं करियर थेरेपीज में क्या क्या करियर है, कैसे थेरेपी, कौन कौन सी थेरेपीज है जिसमें हम आगे अपनी दक्षता हासिल करके और काउंसलिंग को बहुत सॉलिड हम बना सकते हैं. तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जिसकी अब ऑथेंटिक ट्रेनिंग इंडिया में भी दी जाने लगी है. रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम REBT बोलते हैं, अल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट से इसको फॉर्मुलेट किया गया था. इस थेरेपी में भी विशेष दक्षता हासिल की जा सकती है. मराइटल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इसके अलावा जेस्टाल्ट थेरेपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ थेरेपी है, तो उसमें भी दक्षता हासिल की जा सकती है. एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी वेर यू कैन एक्सप्रेस बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स, लाइक यू कैन यूज स्टोरी, प्ले, डांस, मूवमेंट, आर्ट, इनको लेकर एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी फॉर्म की है जो कि बच्चों के बीच में बहुत इफेक्टिवली यूज की जा सकती है. ठीक है, प्ले थेरेपी बच्चों के लिए भी और सबके लिए, इनफैक्ट प्ले थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है और विशेष दक्षता इसमें हासिल की जा सकती है. डांस एंड मूवमेंट थेरेपी, इन सब थेरेपीज में एक एक दो दो साल के डिप्लोमाज अवेलेबल हैं. आप लोग अपने उसमें देख के अपनी सुविधा अनुसार ऑप्ट कर सकते हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये एक साइको एनालिसिस वाला पैटर्न था पर अभी भी इसकी ट्रेनिंग भी ली जा सकती है जिन्हें इंटरेस्ट हो. कॉग्निटिव एनालिटिकल थेरेपी, सॉल्यूशन बेस्ड फोकस थेरेपी, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, जो वाइडली यूज थेरेपीज है वो ये थेरेपीज हैं. इनमें से किसी भी एक या दो थेरेपी, नॉट लाइक विद एवरीवन, हर एक थेरेपी में हमको दक्षता हासिल हो जाएगी, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है. इसलिए मेरा सुझाव हमेशा छात्र छात्राओं से ये रहता है कि किसी एक या दो थेरेपी में विशेष दक्षता और बहुत गूढ़ अध्ययन करके हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, और जो लोग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए एक नोट है, या क्लिनिकल, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या डिसेबिलिटी के क्षेत्र में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए RCI से रिकग्निशन हमारा जरूरी है. बिना उनके एफिलिएशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सजेस्टेड नहीं है. राइट, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जैसा कि हमारी आज की हेडलाइन बता रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इस समय. तो स्कूल्स में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर स्कूल में काउंसलर मैंडेटरी है और इनफैक्ट बड़े स्कूलों में दो दो तीन तीन काउंसलर्स की पोस्ट निकाली जाती है. तो स्कूल्स में एज ए काउंसलर वर्क कर सकते हैं, एज ए लाइफ कोच वर्क कर सकते हैं, कॉलेजेस में भी वर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत डिमांड है. ठीक है, कुछ ट्रॉमा स्पेशलिटी सेंटर्स है, ग्रीफ काउंसलिंग सेंटर्स है, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल है हॉस्पिटल सेटिंग में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं. एनजीओस के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं, जो जैसे पुनर्वास के क्षेत्र में डी एडिक्शन के लिए कोई एनजीओ काम कर रहा है, किसी का विशेष रुचि हो तो उन एनजीओ के साथ जुड़ के वो सीख भी सकते हैं और अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं. पुलिस विभाग में भी काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी
जिसमें जो हम पढ़ते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी को लेकर आगे जाते हैं, तो हम डायरेक्टली हम कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के साथ, इनडायरेक्टली कोर्ट और उन सबके साथ में हम डील कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के साथ काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो बनते हैं इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज के लिए जो पढ़ाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करवाई जाती है, वहाँ जाकर हर इंडस्ट्रीज में बेसिकली ह्यूमन मैनेजमेंट को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को डील करने के लिए अभी बहुत सारे पोस्ट काउंसलर्स साइकोलॉजिस्ट के लिए वहाँ पर निकाले जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं, एज ए ट्रेनर इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं आप। रिहैबिलिटेशन के फील्ड में हम काम कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास RCI का एफिलिएशन है, रजिस्ट्रेशन है, तो यू कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस। जुडिशरी डिपार्टमेंट में, जैसा मैंने बताया कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी की स्टडी के बाद में यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी इन लाइक वर्किंग विद जुडिशरी डिपार्टमेंट। रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जैसे कि आप सबको सबको सब सबको विदित होगा कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मोटिवेटर की आवश्यकता होती है। तो आफ्टर लाइक पीजी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यू कैन ज्वाइन सम, यू कैन वर्क एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट निकाली जाती है और जहां से आप आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। अब मैं करियर की बात मैंने कर ली है, मैं कुछ चैलेंजेस की जरूर बात करूंगी कि क्यों अभी आज विद्यार्थी इतना डिलेमा में रहता है। लोगों के मन में हमेशा साइकोलॉजी का विषय आते ही कुछ तो विचार मन में आने लगते हैं कि ये विषय डैश का विषय है। जैसे आज सुबह ही मैंने किसी क्लाइंट को, जब मैं डील कर रही थी, तो मैंने जैसे ही बताया करियर मैपिंग करके कि बच्चे का ये स्ट्रीम, ये बहुत अच्छे रहेंगे, जैसे साइकोलॉजी का लगाया तो बोले नाना साइकोलॉजी पागलों का फील्ड है। तो ये क्यों है, मतलब हम 4-5 जो प्रोफेशनल्स है या कुछ मुट्ठी भर प्रोफेशनल्स है, हम उसको साइकोलॉजी को बहुत बहुत तवज्जो देते हैं। अदरवाइज साइकोलॉजी में जाना मतलब कि लोगों के मन में ये एक स्टिग्मा है, हमारे यहाँ पर एक स्टिग्मा है कि ये जो फील्ड है ये हमारे लिए नहीं है। और ये स्टिग्मा के कारण इस फील्ड में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 0.6% प्रोफेशनल्स आर वर्किंग, ठीक है, आप सोचिए कि कितना कम आंकड़ा है। तो इसको ये क्यों हो रहा है, एक तो स्टिग्मा है, लोग इस विषय को लेना नहीं चाहते हैं, दूसरा जानकारियों का अभाव है कि मैं इस फील्ड में आगे जाके कैसे अपने करियर को फ्लरिश कर सकता हूँ, कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक ये वजह है, दूसरा लैक ऑफ ऑथेंटिक ट्रेनिंग प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डिग्री कोर्सेज है लेकिन जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप प्रॉपर है, उसके ऑप्शंस शायद कम है या हमें जानकारी का अभाव है, तो इसलिए हम सही ट्रेनिंग, सही समय पर सही ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटिन्यूअस लर्निंग और ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड, ठीक है, अगर हमको इस फील्ड में कंटिन्यूअस बने रहना है, ठीक है, ये एवर ग्रोइंग फील्ड है, ये हमको पता है कि हर दिन डिमांड बढ़ती जा रही है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, और इस बढ़ते हुए फील्ड में हमें क्या करना है, हमें अपने फील्ड के साथ तालमेल, फील्ड के साथ और चैलेंजेस के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना है, ठीक है, और लर्निंग अगर रहेगी तो हम फील्ड में सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। और रैपो जो है वो डाइवर्स सेट ऑफ क्लाइंट्स से रैपो बनाने में हम थोड़ा सा मुश्किल जाती है, तो इसलिए भी हमें इस फील्ड के साथ बने रहने में दिक्कत आ सकती है। वर्किंग इन आइसोलेशन, मैं एक अलग दबड़े में काम कर रही हूँ, मेरा किसी से कोई रेफरल वर्क नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी एक चैलेंज खड़ा कर सकता है। लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अगर हम उसमें उलझते हैं तो वहाँ पर हम अपने विषय के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, जो लोग प्रैक्टिकली फील्ड में काम करना चाहते हैं, ठीक है। और कीपिंग अ फाइन लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हमको देख के आगे पढ़ना है। अगर ये चैलेंजेस हम ओवरकम कर लें,
तो शायद हमारे लिए इस फील्ड में बहुत सारे अवसर अवेलेबल हैं जिनको हम अवेल करें, जिनको हम इन अवसरों को हम बिल्कुल ग्रहण करके आगे बढ़े। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आई कुड डू जस्टिस विद द टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारियां दी हैं मैम, और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने आपने यहाँ से कहा कि हम मनोविज्ञान कहाँ हमें हेल्प करता है और हमको कहाँ अपने ट्रेड्स को बनाए रखना है, विकसित करना है, और साथ ही हम किन डिग्रीज को ले सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। सारे विद्यार्थियों से मैं कहूंगी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट जरूर चेक करें, जो मैडम ने बार बार कही है। वहां आपको बहुत सारे कोर्सेज पीजी के, डिप्लोमा के और थेरेपी के देखने को मिलेंगे। और साथ ही जब भी आप कोई प्रोफेशनल रूप से ट्रेनिंग या डिग्री या डिप्लोमा लेके बैठते हैं, तो आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, और वो तभी होता है जबकि आप किसी रिकॉग्नाइज बॉडी के साथ वो डिप्लोमा या डिग्री को लेते हैं। मैडम, आपने आरईटी रैशनल इमोटिव थेरेपी में हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ट्रेनिंग ले सकते हैं, गेस्टाल्ट थेरेपी में ट्रेनिंग ले सकते हैं, फैमिली। और मैं तो ये कहती हूँ बच्चों को कि आप एक फील्ड बता दें कि कहाँ साइकोलॉजी नहीं है। और जब से कोविड आया है या हमारा माशरा थोड़ा सा समाज बदला है, तब से बहुत आवश्यकता महसूस की जाने लगी है कि हमको काउंसलर मिलें और वो हर फील्ड से रिलेटेड हों। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे पता था कि आप बहुत बिजी हैं, फिर भी हमारे आग्रह पर आप हमारे लिए आज अवेलेबल रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम और वेबिनार के अंत में मैं हमारे विभाग के अतिथि विद्वान श्री वैभव सक्सेना जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू निकट मैडम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ हमारे इस वेबिनार के रिसोर्स पर्सन मैडम माया भोरा का, कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्तम समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारे स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स को साइकोलॉजी में करियर अपॉर्चुनिटी से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्रदान की। धन्यवाद मैडम, आपके व्याख्यान से निश्चित रूप से हमारी छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य एच अनिजवाल सर का, जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे थे। सर हमेशा महाविद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रमों के लिए हमें अपनी सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तपन मैडम का, कि वे प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन में अपना रचनात्मक और शैक्षणिक रूप से सहयोग प्रदान करती है। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर शशि प्रभा जैन मैडम का, गृह विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष, जो हमेशा अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे तकनीकी सहयोगी फार्मा विभाग के अतिथि विद्वान डॉक्टर धर्मेश राठौर का, जो हमें तकनीकी रूप से सभी सहज सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मनोविज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निखट प्रवीण मैडम का, जिनकी प्रेरणा के फलस्वरूप इस वेबिनार की रूपरेखा रखी गई। अंत में मैं समस्त छात्राओं, प्रतिभागियों एवं समस्त स्टाफ मेंबर्स का आभारी हूँ, जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, जिनके बिना कार्यक्रम की कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक बार आप सभी का धन्यवाद। हम YouTube चैट पर फीडबैक लिंक शेयर कर रहे हैं, सभी पार्टिसिपेंट इसे भर लेंगे ई सर्टिफिकेट के लिए। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। इसके साथ ही वेबिनार समाप्त होता है। सबका धन्यवाद।